जो मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की बात करते हैं, बात बात पर सुशासन के दावे करते नहीं थकते और बात बात पर ये जताते नहीं थकते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है, ये मुख्यमंत्री जी के सामने जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है मुख्यमंत्री जी के लिए कि कैसे आपकी नाक के नीचे बिहार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भ्रष्टाचार की देन चढ़ाए जा रहे हैं। ये एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत नहीं है भारत भ्रमण करने की, पर अगर थोड़ा सा समय निकाल कर अगर प्रदेश भर के भ्रमण पे निकल जाए तो इनको पता चलेगा कि ये तो मात्र एक उदाहरण, और वो उदाहरण भी इसीलिए बना क्योंकि भाई एक बड़ा पुल था, ढह गया, न्यूज़ चैनल मीडिया में आप लोगों ने दिखाया तो शायद उनकी जानकारी में आया होगा। नहीं तो अधिकांश ऐसे जो भ्रष्टाचार के कार्य हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की जानकारी में, वैसे भी हर बात पे बोलते हैं अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पुनः दोहराता हूँ, 7 निश्चय पुनः उसी में से ही है। 7 निश्चय जो इनकी योजना है पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार की देन चढ़ गई है। नल जल नली गली जाकर देखे मुख्यमंत्री जी, बिहार के गांव का क्या हाल हो गया है इनके भ्रष्टाचार की वजह से। आज की तारीख में शायद ही बिहार का कोई ऐसा गांव होगा जहां पर बिना घूस दिए कोई काम होता हो। तो ये हालात तो मुख्यमंत्री जी के राज्य में तब हैं जब ये बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा भ्रष्टाचार। और भैया जब यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था, एक पुल दो दो बार निर्माण के दौरान धराशायी हो जाता है, क्यों कार्रवाई नहीं होती है? अभी भी मुख्यमंत्री जी बताए ना भैया क्या कार्रवाई ये करने वाले हैं, जांच करवाएंगे, उसके सवाल जवाब होगा। क्यों ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है? इससे पहले भी जब पुल का एक हिस्सा गिरा था उस वक्त अगर कार्रवाई की गई होती तो संभवतः आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। भाई किसके पैसे जा रहे हैं? टैक्स पेयर्स के पैसे जा रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी। कितनी बार आप उनके पैसे को इस तरीके से बर्बाद कीजिएगा? और ये साल दर साल की ये घटना है भैया, इस तरीके के उदाहरण अनेकों। अभी मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं पर मैं पुनः बोल रहा हूँ, बरसात आने वाली है, आधा बिहार बाढ़ में डूबेगा। तटबंधों की हालत देख लीजिए, हजारों करोड़ रुपए की राशि तटबंध के निर्माण में हर साल बर्बाद की जाती है और पहला पानी गिरते ही कटाव शुरू होगा, पानी गांव घरों में घुसने लगेगा और फिर मुख्यमंत्री अपना उड़न खटोला निकालेंगे और हवाई निरीक्षण करके बोलेंगे कि भैया फिर इसको ठीक किया जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री अगर नहीं, अभी भी इन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार पे लगाम कसी तो बिहार वैसे ही बर्बाद हो रहा है और बदहाल होगा। भाई मुझे नहीं पता क्या क्यों स्थगित हुई, ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे। भैया विपक्ष को एकजुट करने का जो ये एक असंभव प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं बताएंगे। हो सकता है कुछ नेताओं ने आने से मना कर दिया हो, अभी कुछ और मान मनोबल होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया, विपक्ष अगर एकजुट होगा अभी तो इनके साथ इनके सामने क्यों होगा? हाँ क्या है इनके पास, क्या क्या दिखाएंगे बिहार को? क्या मुझे एकजुट इसलिए कीजिए कि आज बिहार में एक पुल गिरा है, हम देश भर में सारे पुलों को गिराएंगे? बिहार का अपराध का ग्राफ हम देश में भी दिखाएंगे, यही बोलते हैं ना, बिहार में दिखा है देश में दिखेगा। क्या दिखा भैया? अपराध भ्रष्टाचार, यही देश में दिखाना चाह रहे हैं। और दूसरे प्रदेश के नेता आएंगे यहाँ के बढ़ते भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को देखने कि बताएं भैया नीतीश जी कैसे आप बिहार में इतना अपराध करा लेते हैं, हम लोग भी अपने राज्य में कुछ सीख कर जाएंगे कैसे अपराध को बढ़ाया जाए। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों विपक्षी एकता की विपक्षी बैठक कैंसिल हुई है। आने वाले भाई इस्तीफे की मांग तो हम लोग करते ही हैं, पर कोई नैतिक जिम्मेदारी भी तो बनती है। हम लोग तो भैया जब इस्तीफे की मांग करेंगे तुरंत बोलेंगे आप लोग कि भाई आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, पर नैतिकता भी कोई आधार बनता है कि नहीं बनता है? अगर आपसे प्रदेश संभल नहीं रहा, अगर आपके पास फुर्सत नहीं है बिहार के और बिहारियों के लिए, आज जितना समय मुख्यमंत्री जी देश भर की यात्रा में लगाते हैं इसका 10% समय भी बिहार और बिहारियों के लिए दे दें तो संभवतः बिहार के हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। क्या नैतिकता इनके लिए आधार नहीं है? इंजीनियर है ना ये मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे पर ये तो इंजीनियर अपने आप को कहते हैं भैया।
इनके इंजीनियर होते हुए अगर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हालात है, पुल जो आधे बनकर ही गिर जाते हैं, तो क्या नैतिकता आधार नहीं है? कौन जिम्मेदारी लेगा? जवाबदेही लोकतंत्र में तय होना बहुत जरूरी है और ये तय नहीं की जा रही है पिछले 18 सालों में। परिणाम हम सबके सामने, अकेले सारे निर्णय लेना, अकेले तमाम चीज़ों पर फैसले करना, और तमाम इनके फैसले जो धराशायी हुए हैं। क्यों जातिगत जनगणना पे रोक लग गई? भाई हम लोग कहते रह गए, बुला लीजिए सर्वदलीय बैठक, सुझाव देते हैं हम लोग। क्यों शराबबंदी कानून विफल हो गया? हम लोग कहते रह गए, समीक्षा कीजिए, बुलाइए। क्यों जहरीली शराब से हत्याएं हो रही हैं? क्यों बिहार में अपराध बढ़ रहा है? गृह मंत्री भी यही, मुख्यमंत्री भी यही, निर्णय भी यही लेंगे, सब काम यही करेंगे, तो जवाबदेही इनकी नहीं तो और किसकी? सवाल है चिराग जी, आनंद मोहन ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की बात करने वाले लोग पहले मांझी जी की बेटी से शादी करके ब्राह्मणों को बताएं। अरे क्या जात बात, दुखद है भाई, बिल्कुल लापरवाही हुई है, बिल्कुल लापरवाही है। और जो भी दोषी है, मैं खैर इस बात से मैं थोड़ा संतोष ज़रूर जाहिर करूंगा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां पर गए, जिस तरीके से रेल मंत्री स्वयं वहां पर मॉनिटरिंग वहां पर कैंप करके लगातार इतने दिनों से वहां पर रहकर वो तमाम जानकारी हासिल कर रहे हैं, जवाबदेही तय हो रही है, जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं, सीबीआई जांच तक की इसमें सिफारिश कर दी गई है, बट जहां से भी ये चूक हुई है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान गई है, ये जिसकी भी गलती से हुआ है प्रेसिडेंस सेट करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में कभी ऐसी कोई घटना, हम लोग नए भारत, बढ़ते भारत का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ऐसे भारत में इस तरीके की घटनाओं की कहीं कोई जगह नहीं हो सकती।